गुना में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी ने जनसभा में जमकर जोश दिखाया। इस दौरान शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सिंधिया विकास की गंगा बहाएंगे, मामा भी बोनस में मिलेगा। विधानसभा चुनाव में हमारी जोड़ी ने इतिहास बना दिया। देखिए खास रिपोर्ट। गुना में महाराज और शिवराज ने जीता जनता का दिल। शिवराज बोले, विधानसभा चुनाव में हमारी जोड़ी ने इतिहास बना दिया था। सिंधिया दिल्ली से बहाएंगे विकास की गंगा, मामा भी बोनस में मिलेगा। सिंधिया की तारीफ में बोले शिवराज, कमाल करते हो यार, एयरपोर्ट 8 महीने में बना दिया। गुना में शिवराज और महाराज की जोड़ी ने अपने तूफानी अंदाज से सबका दिल जीत लिया है। गुना में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। मंच से बयान देते हुए शिवराज ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, क्या कमाल करते हो यार, ग्वालियर का एयरपोर्ट महाराज केवल 8 महीने में तैयार कर दिया। खाली पीली थोड़ी जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, क्योंकि जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। भगवान की तो राजनीति में जाएंगे तो जैसे सिंधिया जी केंद्र मंत्री बने, ग्वालियर का एयरपोर्ट महाराज 8 महीने में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा कि सिंधिया के अंदर काम करने का जुनून और जज्बा दोनों है। शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से विकास की गंगा सिंधिया भी बहाएंगे और मामा शिवराज भी बोनस में मिल जाएगा। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। इसलिए दिल्ली से विकास की गंगा वो भी बहाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, और तो मामा भी बोनस में काम आएंगे। काय को चिंता करते, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगे, और बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने का काम भी करेंगे। चौतरफा विकास और प्राणों से कार्य जनता का कल्याण, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कुछ बनने के लिए नहीं, आपकी सेवा करके अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए हम राज। 2023 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कांग्रेस ने ऐसी हवा बनाई कि प्रदेश में सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के नेताओं ने तो सूट सिलवा लिए थे, मंत्रालय भी बांट दिए थे, लेकिन हमारी जोड़ी ने इतिहास बना दिया। तो फिर से अगर मुख्यमंत्री बना तो सिंधिया जी के कारण बना, इनके स्नेह और सहयोग। 23 में हम नहीं चूके। कई लोग घबरा गए, गड़बड़ है, अब तो नहीं बनेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो सूट सिलवा लिए थे कि मंत्री बन ही रहे, कैबिनेट बन गई, बंटवारे हो गए। लेकिन मैंने कहा मामा अभी जिंदा है, चिंता मत करो, भाजपा की सरकार नहीं है। इस जोड़ी ने फिर सरकार बनाई, राज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे देश बढ़ रहा है, अद्भुत। समय ज्यादा नहीं, लेकिन बमोरी में नोट कर लेना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं है। शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत को सलाम करते हुए वोट देने की अपील की। शिवराज के अंदाज के कायल होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।